हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है कनाडा जीसी की अकाउंट के बारे में। ऐसा होता है कई बार कि कई लोग अपना बार बार पासवर्ड गलत डालते हैं, जिस वजह से जीसी की अकाउंट लॉक हो जाता है, या फिर कई बार सर्वर की वजह से, या फिर अकाउंट रिवोक हो जाता है, या फिर आपका अकाउंट, या फिर किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे हम उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप वीज़ा रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आप चाहें तो मेल आईडी ये है, मेल आईडी के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर जीसी की अकाउंट लिख दीजिए, फिर इसके बाद आपको साइन इन विद जीसी की पर जाना है, क्योंकि जो अकाउंट हमारा लॉक हो गया है, अब ये देखिए ये मेरा अकाउंट था, अब ये लॉक हो चुका है। तो अब मैं उसी अकाउंट को खोलूँगा दोबारा। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम जीसी के अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा अकाउंट लॉक्ड है, हमें उस पर रजिस्टर करना है, या फिर आप साइन इन विद जीसी की पर जाकर यहाँ पर साइन अप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर में जाके भी वहाँ पर साइन अप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ इधर जाके कीजिए, ताकि डायरेक्ट आपको साइन अप मिल जाए, अदरवाइज़ आप घूमते रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो मैं एक यूज़र नेम बना लेता हूँ, तो मान के चलिए मैंने प्रथम शेरा 619 ये मैंने अपना जीसी के अकाउंट का यूज़र नेम मैं बना रहा हूँ। तो ये मैंने यूज़र नेम बना लिया है, इसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपका जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें वो आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद मेरे को कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अपने बनाने हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी आप अकाउंट खोलें तो आप उसके आंसर आपके पास हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। माय मेमोरेबल पर्सन, तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन चूज़ करते हैं करना चाहें वो क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक दूसरी मेल आईडी आपको बनाना होगा। अगर आपने नहीं बनाई तो बना लीजिए जीमेल पर, ताकि जो आपकी आईडी ब्लॉक हुई है आप उस पर रिकवर कर सकें। कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको दोबारा टाइप करना है, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड विद कन्फर्मेशन पर आपको क्लिक करना है, और आपका यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है। अब इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो आपने मेल आईडी प्रोवाइड की गई है उसमें एक कोड गया हुआ है, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसको कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इनकेस अगर वो नहीं रिसीव हुआ है तो आप रीसेंट पर जाकर आपको दोबारा उसको भेज सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका कोड आ जाएगा। ये कोड आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, ये हर बार यूनिक होता है। तो मैं इसको कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा मेल आईडी इसमें ऐड हो चुका है। इसके बाद एक बार दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट एक बार फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है हमें। कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ना ये पेज बार बार खुलता है जब वो साइन इन करने जाते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन है, आप इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आप करेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। जब आप एक बार हिस्ट्री क्लियर कर लेंगे उसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए अब स्मूथली खुल रहा है। अब यहाँ से आपको एक अकाउंट बनाना होगा। आपका जिनका भी अकाउंट बना रहे हैं उनका नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी वो डालनी है जो अभी आपने जो उसके रिप्लेस में आपने ईमेल आईडी बनाई है। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश में सेलेक्ट करना है, और उसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस बना रहे हैं वो ज़रूर याद रखिए, कॉपी पेन से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर उनको बनाने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जब आप एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आपको ये दिखेगा लिंक, ऐड लिंक योर एप्लीकेशन और टू योर अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी में जाना है। तो हम टेम्प्रेरी रेजिडेंस पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसकी सब कैटेगरी में जाके आपको स्टूडेंट परमिट एंड एक्सटेंशन
पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका कोई दूसरा आपने विजिटर या फिर कुछ भी लगाया है तो आपको उसको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको एस डिटेल्स आप दे सकते हैं वो आप चूज़ कीजिए, और उसको चूज़ करने के बाद उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे ही आप पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो पासपोर्ट की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आपको फिल करना होगा। इसके बाद इसे नेक्स्ट ऑप्शन में बताना होगा, जो स्टूडेंट है जो स्टडी करने जा रहा है उसके प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा और किस ईयर में स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करानी है और कब फिनिश होगा। तो यहाँ पर आप डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद ये DLI नंबर होता है, जो उनका ऑफ़र लेटर होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सर्च फॉर माय एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपको विजिबल हो जाएगी। उसके बाद आप लिंक माय एप्लीकेशंस में जाके लिंक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको लिंक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन इज़ नाउ लिंक्ड दिस अकाउंट, यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम योर अकाउंट पे, व्यू माई सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड प्रोफाइल्स। तो अब यहाँ पर आपको इस अकाउंट में जाके व्यू माई सबमिटेड एप्लीकेशंस में जाकर आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।